देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर मचे बवाल के बीच कासगंज से भी एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिले में संचालित एक मिशनरी स्कूल पर एक शिक्षक ने आरोप लगाया कि उसके तिलक लगाने और कलावा बांधने से नाराज स्कूल प्रबंधक ने उसे नौकरी से जबरिया निकाल दिया। नौकरी से निकाले गए शिक्षक ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में प्रशासन में जांच कर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें, ईसाई मिशनरियों की ओर से संचालित कॉन्वेंट सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदी के शिक्षक के रूप में तैनात रहे जनपद एटा के महाराणा प्रताप नगर निवासी विकास तिवारी ने बताया कि वो वर्ष 2014 में बतौर हिंदी के शिक्षक संविदा पर सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में नियुक्त हुए थे। बाद में वर्ष 2019 में उन्हें परमानेंट शिक्षक बना दिया गया। 2019 में ही स्कूल के प्रिंसिपल रॉबर्ट पीटर फार्गे का स्थानांतरण हो जाने के बाद नए प्रिंसिपल रॉबर्ट बर्गी बने। आरोप है कि नवयुक्त प्रिंसिपल रॉबर्ट बर्गी द्वारा उनके साथ धार्मिक पक्षपात करते हुए उन्हें कलावा बांधने और तिलक लगाने से रोका गया। जब पीड़ित द्वारा इनकार कर दिया गया तो स्कूल प्रबंधक द्वारा उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस संबंध में पीड़ित ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अब पीड़ित शिक्षक विकास तिवारी ने अपने खून से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने साथ हुई धार्मिक उन्माद मामले में न्याय की गुहार लगाई है। 14 में सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में कार्य कर रहा था। 3 मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, 2 मुझे प्रोविजन पीरियड पर रखा गया। 2019 में कन्फर्म हो गया और ये मुझे विद्यालय के क्लर्क द्वारा ये बता दिया गया कि आप कन्फर्म हो। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, इस वजह से मुझे स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। और 2021 में हमारे पुराने फादर प्रिंसिपल रॉबर्ट पीटर पार्के का ट्रांसफ़र हो गया और नए फादर रॉबर्ट बर्गीज आए। उन्होंने बिना किसी कारण से हमें विद्यालय से निकाल दिया और हमें धमकी भी दी कि हमारी बात मान लो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। हमसे साथ ही साथ धार्मिक पक्षपात भी हुए। हमें टीका लगाने के लिए इनडायरेक्ट वे में मना भी किया गया कि ये सब इस स्कूल में नहीं चलेगा। इस कारण से हमें स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और हमें निकाल दिया गया। इस वजह से हमारी शासन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की, उदासीनता बढ़ती और हमने मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिखा, या तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या फिर हमारी जो हक है वो सारे हक हमें दिलाए जाएं। 2014 से पीएफ, 2019 से स्थायी नियुक्ति पत्र और जो विद्यालय अपनी पत्रिका में जो वेतन दर्शाता है, जो ग्रेड दर्शाता है, वो पूरा ग्रेड 2019 से चाहिए। किस धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग? ये लोग ईसाई हैं, क्रिश्चियन लोग हैं और ये शायद ये और लोगों से इंडायरेक्ट वे में पता चला है कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग ऐसे कोई काम न करें जिससे कोई धर्म की धर्म का अनुयायी या फिर धर्म की कोई भी चिन्ह नहीं हो। ये मिस्टर विकास तिवारी जो है हमारे स्कूल में संविदा पे काम करते थे, उनका संविदा ख़त्म होने पे हमने इनको कंटिन्यूएशन नहीं दिया। इनका संविदा ख़त्म होने की सूचना भी उनको हमने प्रदान किया था और उन्होंने भी यहाँ पर साइन किया हुआ है, इनका संविदा का कॉपी है, इनको सूचना भी हमने दिया था, इसका कॉपी है। ये संविदा ख़त्म होने पर हमने इनको दोबारा नहीं रखने का डिसीजन लिया। अगर ये हमारा इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो न्यायालय जा सकते हैं उस, और जो न्यायालय जो बताएगा वो कागज़ दे करके वो हम लोग के लिए भी मान्य। देखते रहिए DB भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।